कोनिचिवा मिनासान इशुनिंग अंबर ऑनलाइन जैपनीज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं जैपनीज लैंग्वेज में प्रोनाउन कौन कौन से हैं और वो कैसे किस तरीके से यूज़ होते हैं, उनका मतलब क्या है, ये आज हम सीखने वाले हैं। हालांकि आपने अभी भी अपनी जैपनीज लैंग्वेज की जर्नी शुरू की है तो इसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम शुरुआत करते समय प्रोनाउंस से शुरू कर रहे हैं। तो कौन कौन से प्रोनाउंस है ये आज हम देखेंगे और काफ़ी इजी है, जल्दी से आप समझ जाएंगे। तो मज़े मज़े में देखते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउंस है। चलिए शुरू करते हैं। हाजी मैं पूछो तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो प्रोनाउन है, सर्वनाम है वाताशी। वाताशी क्या है, उसका रीडिंग क्या है, वाताशी। आप यहाँ पे हिरागाना राइटिंग देख रहे हो, उसके साथ में यहाँ पे आप हमने यहाँ पे रोमाजी में लिखा है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वाताशी, वाताशी का मतलब है आई, मैं। हाँ, मैं मतलब खुद अपने लिए जब हम जो प्रोनाउन यूज करना है वो है वाताशी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल है वाताशी वा गाक्सेई देसु। वाताशी वा गाक्सेई देसु, इसका मतलब क्या है, तो वाताशी मतलब मैं, वा मैं क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो ये इस पूरे सेंटेंस का मतलब है वाताशी वा गाक्सेई देसु। गाक्सेई का मतलब होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज ए सब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। तो सेकंड जो प्रोनाउन है वो है अनाता। अनाता, अनाता का मतलब होता है यू, यानी कि आप। अनाता का मतलब क्या है, आप, अनाता, ओके। तो अनाता वा सेंसेई देसु का, अनाता वा सेंसेई देसु का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप सेंसेई है, क्या आप सेंसेई है मतलब क्या आप टीचर हैं, ओके। सेंसेई का मतलब होता है टीचर, तो क्या आप टीचर हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सामने वाले के लिए ये यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे अनाता यूज करेंगे हम, ठीक है। आगे देखते हैं वाताशी ताची क्या है। वाताशी ताची, आप यहाँ पे नहीं रीड कर पा रहे हो तो यहाँ पे देखो, वाताशी ताची मतलब, वाताशी ताची का मतलब है अस, अस यानी कि हम, हम, ओके। तो इसका मतलब है कि हम जब हमारे बारे में इकट्ठा किसी समुदाय के बारे में बात कर रहे होते तो, या फिर मोर देन वन पर्सन, तो हम यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि मैं बात करते समय भी हम यूज़ कर रही हूँ, तो हम जब अपने बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं सेम। उसके लिए यहाँ पे वर्ड है जैपनीज में वाताशी ताची। वाताशी ताची इसका मतलब है अस, हम। और अब यहाँ पे हमने सेंटेंस क्या है यहाँ पे देखते हैं, एग्जांपल वाताशी ताची वा काजोकु देसु। क्या है यहाँ पे सेंटेंस, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, वाताशी ताची वा काजोकु देसु। इसका मतलब क्या है कि हम जो है वो फैमिली है, हम जो है वो फैमिली मेंबर्स है, या हम सब जो है वो एक फैमिली है, एक कुटुंब है। तो इसका मतलब ये हुआ, काजोको का मतलब होता है फैमिली, ओके। वाताशी ताची वा काजोको देसु, आपने हिरागाना काताकाना तो पढ़ा ही है, तो इसकी वजह से आपको ये रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब
आगे क्या है? ये तो पहले वाले हमने समझ लिए क्या है सेंटेंसेस, जो प्रोनाउंस है। पहला है वाताशी मैं, अनाता आप, और वाताशी ताची अस या हम। और आगे वाला जो हम देख रहे हैं इसमें क्या है, तो अगेन कारे कारे कारे, कारे का मतलब है ही, मतलब वह ही। ओके, तो कारे वा यासाशी देस, यासाशी देस। कारे वा मतलब वो जो वो है वह काइंड है, दयालु है। ओके, तो ही इज अ काइंड पर्सन, ही इज अ काइंड। ओके, तो यहाँ पे यासाशी का मतलब होता है काइंड, दयालु। ओके, तो कारेवा कारे मतलब ही है ना, आसान है, काफी आसान। फिर आगे वाला जो प्रोनाम है वो देखते हैं। नेक्स्ट, कनजो कनजो कनजो, कनजो का मतलब होता है कि शी शी, और इसका रीडिंग होता है वह वह वह, मतलब है इसका कन जो रीडिंग है उसका, और वह ऐसे इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, कनुजोवा ईशादिस, कनुजोवा ईशादिस, मतलब क्या है कि शी इज अ डॉक्टर। ओके, कनुजो का मतलब है शी, वा ईशा, ईशा का मतलब है डॉक्टर, और दिस मतलब है। तो कनजोवा ईशादेस, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है यहाँ पे। कनजोवा ईशादेस मतलब वो जो लड़की है वो है, वह एक डॉक्टर है, वह डॉक्टर है, ऐसे हम कहते हैं, वो डॉक्टर है। ठीक है ना, इजी है, काफी इजी है। कारेरा, नेक्स्ट वाला क्या है, कारेरा 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 मतलब दे दे, और उसका मीनिंग है वे। ओके, तो कारेरा दे और वे। ये जो है कारेरा, वो भी एक समुदाय के लिए यूज कर रहे हैं, पर ये अब हमारी तरफ वाला समुदाय नहीं है, अपोजिट वाला है, जो कि किसी और समुदाय के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो कारेरा यूज होता है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग हमें पता है कि दे हम यूज करते हैं, तो दे मतलब कारेरा वे। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल है देखते हैं। कारेरावा दारे देश का, कारेरावा दारे देश का। अब आप खुद ही सोचिए क्या इसका मीनिंग होगा। कारेरा का मतलब है दे, दे, और दारे का मतलब होता है हु, और देश का, अभी का है तो क्वेश्चन है, तो हु आर दे, हु आर दे, वो कौन है, वे कौन है, जैसे हम पूछते हैं हु आर दे। ओके, तो इसी तरह से हमें ये अभी जो प्रोनाउन सीखे वो कौन कौन से देखते हैं फिर से एक बार। कारे, कारे का मतलब है ही और वो है वह। कनजो, कनजो का मतलब है शी और वह। और कारेरा, कारेरा मतलब दे और वे। तो काफी सिंपल है, आप सेंटेंसेस में तो ये सारे प्रोनाउन देखोगे ही, तो तब तब आपको मीनिंग उसका समझते जाओगे। तो इसी तरह से आपको ये समझ लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही जैपनीज सीखते रहना है, काफ़ी आसान है ना। चलिए फिर, ईशो निगम्बारो, हमारे जो ऑनलाइन जैपनीज क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसे ही जैपनीज इजीली सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, नई चीज़ें सीखने के लिए। तब तक के लिए अरिगातो गोज़ाइमाशिता, जनता।